किन के खिलाफ मैंने पर्सनल अटैक किया, मैंने ये स्कैम खोला, लोगों को फायदा पहुंचा, नए 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 लोग आते थे इसमें, फर्स्ट जाते थे। अगर मैंने इस स्कैम में उसपे थोड़ी बहुत रोशनी नहीं डालता, वो यूट्यूबर था बेचारा हमारा जो भाई था कुलगाम का, उसने भी इस पे रोशनी डाली, मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मुदस्सिर अजीज को हम गिराना चाहेंगे। वह तो इज्जुमन तशा व तो जुल्लुमन तशा, इज्जत देने वाला अल्लाह ताला है। अब मैं कुछ टाइम से ये रियलाइज कर रहा हूँ, मैंने अब सोचा कभी कि नहीं करूंगा। अब कुछ टाइम से कोई बंदा ऐसा है, एक तो वो क्या बोलते हैं उसको जो प्लम्बर का काम करता है, हाँ एक प्लम्बर का काम, परसों वो प्रेस कॉल ही परसों से वो पीट पीट रहा है, मीडिया में आ रहा है कि मेरे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वो चला रहा है। कभी के बाद वादी कश्मीर में मचे हुए हैं, इसमें कोई शक और राय नहीं है कि हमें कश्मीर का हर वर्ग इससे मेंटली इससे फिजिकली कहीं ना कहीं इफेक्ट मिल रहा है। क्रिएटिव सर्वे के बाद जिस तरह की वोकल्स रहे अवामी नुमाइंदा मुदस्सिर अजीज की तरफ से, वो वाकई में काबिले तारीफ। लेकिन क्या हो कि अगर इन्हीं पर जो है कई सारी तोहमतें इस क्रिएटिव सर्वे की वजह से लगाई जाए, हताकि इन्होंने जो है इसके चलते एक एक्शन भी दर्ज की हुई है, क्या कुछ मसला है मुदस्सिर साहब, क्या मसला हो गया है ऐसा कि आज आप मजबूर हो गए यूं अपनी दिल की बात को इस तरह रख। तरुणम जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरी छोटी बहन। देखो मैं अपनी सोसाइटी के लिए काम करता हूँ, अपनी कौम के लिए काम करता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कश्मीर जिंदाबाद है, मैं कहता हूँ कि मेरा खून का कतरा कश्मीरी कौम के लिए लगे। जो मैंने ये एक क्या बताएंगे स्कैम, एक बड़ा स्कैम था, छोटा स्कैम नहीं था, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, हमारे यूथ इन्वॉल्व था इसमें, अब हाँ पूरा कश्मीर इन्वॉल्व था इसमें। कि उसके बाद जब मैंने ये स्कैम खोला तो कुछ लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को कहते हैं, देखो इन्फ्लुएंसर उनको कहते हैं, या अगर आप अभी एक चैनल चला रहे हो आपको एक कमेंट सेक्शन से पता चलेगा कि आपके जब कमेंट्स नेगेटिव कमेंट्स पूरे आएंगे 90%, आप क्या समझोगे आपके साथ है कोई नहीं। कुछ लोग ऐसे कुछ शख्स है जो मुझे समझ नहीं आ रहा, हाँ मेरे खिलाफ, हाँ एक उसे वीडियो परसों चढ़ाया, हाँ। मेरे पास एविडेंस है, मैंने अब लीगल एक्शन उन पे की, उन पे ही खिलाफ मैंने लीगल एक्शन नहीं की। जो अगर मैं गलत हूं किसी जगह, मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, क्योंकि मैं कश्मीरी कौम के जमीरों के साथ नहीं खेलूंगा। मेरी कोशिश हमेशा रहती है मैं वो काम करूं जिससे मेरे कश्मीर को, मेरे आम आदमी को मतलब एक फायदा पहुंचे। देखो तरुण जी आप भी देखते हो, अब मैं एक स्टोरी करूंगा, उसके बाद मेरे कमेंट सेक्शन होते हैं, मेरे को उसमें देखना पड़ेगा, वो आ ही ना होता है कमेंट सेक्शन से, आसान आ ही ना एक होता है, आपको उस पर नजर मारनी चाहिए अगर आप एज ए कंटेंट क्रिएटर हो या सोशल मीडिया। मुझे किसी के साथ राइवलरी नहीं है, मतलब जिस तरह आपने कमेंट सेक्शन की बात की तो कई सारे लोगों का ये कहना है कि इनकी तरफ से भी जो है पर्सनल अटैक किया जाता है। किन पे मेरे, किन पे मैंने किया? केस के कोई लोग या कोई इन्फ्लुएंसर है तो आपकी तरफ से कोई पर्सनल अटैक हुआ है उनपे? आप मेरे को बता किन, हमारा काम है जिधर आवाज उठानी पड़ेगी मैं कोशिश करूंगा, मैं आवाज उठाता रहूंगा, मैं मरने के दम तक आवाज उठाता रहूंगा। इस कश्मीरी कौम ने सितम जरीफी उठाई है तरुणम जी, आप देखो हम किस डिजास्टर से निकल रहे हैं इस टाइम, पिछले 30 साल से आप मतलब मैं समझूंगा आप क्या बताऊंगा, आप छोटी बहन हो मेरी, आपने देखा क्या हमने, अब हमारी जनरेशन हो गई, अब हमारा फ्यूचर है, हमको बात करनी चाहिए इन चीजों पे। जहां डेमोक्रेसी कंट्री में रहता हूं मेरा हक है बोलने का, मेरे को हक है। और कुछ कुछ और अनासिर ऐसे है जो मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि मुदस्सिर अजीज को कैसे डिफेम करेंगे, किस किस्म का प्रोपेगेंडा, मतलब अभी जो आपको, क्योंकि जिस तरह आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस की वजह से इंसान की, मैंने पहले ही बताया, जहन खराब होता है कमेंट्स पढ़ पढ़ के, लेकिन कुछ लोग हैं जो इनको अवॉइड करते हैं, यू मस्ट आल्सो अवॉइड। नहीं अवॉइड कितनी देर तक आप अवॉइड करेंगे, कोई परसों आया वो मैं बताऊंगा, दो पैसे का कोई, आप इथिक्स की बात कर रहे हैं, कौन से इथिक्स, कौन से इथिक्स मेरे को ढूंढने इस जगह पे। आज मैंने इनके खिलाफ डिफेमेशन का केस किया, क्यों मेरे खिलाफ, हाँ मैंने किया, वो बताया ना वो प्लम्बर का काम करता है, खुद को बता रहा है वो, मैं इंजीनियर हूं, मैं उसको बताऊंगा इंजीनियर की स्पेलिंग मेरे को बताओ, मैं चैलेंज करके कहता हूँ उसको, मेरे को सर्टिफिकेट मांग, मेरे को कोई जो मैं काम करता हूँ मेरे को इस काम के लिए कोई किसी की सर्टिफिकेट नहीं जरूरत है, मैं जो काम करता हूँ अपनी सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। तरुणम जी आप मेरा हर कोई आईडी, आप मेरा हर कोई पेज, हर कोई चैनल मेरी देख लीजिए, अगर मेरे को कोई नेगेटिव कमेंट्स आते होंगे, एक तो इक्का दुका हो गए, आपको मैं नहीं कहूंगा मैं 110% सही हूं, मेरे को भी कोई नहीं चाहता होगा, मगर उसका मतलब है कि मैं हर किसी के खिलाफ अब केस करने लगूंगा, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ कुछ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। मैंने परसों जो एक्शन की इन यूट्यूबर्स के खिलाफ, मैंने परसों बताया बाथरूम यूट्यूबर्स मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, बाथरूम से बाहर निकलते नहीं है, किया क्या एक बात बताइए मेरे को, सोसाइटी के लिए बाथरूम यूट्यूबर्स ने क्या किया, आप मेरे को गिनवाइए, आप मेरा फोन लीजिए, मैं इरिटेट होता हूँ दिन भर फोन उठाते उठाते रात को 11 बजे, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी एक होती है। अब मैं आप लोगों तक ऐसी स्टोरी, ऐसा कंटेंट पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जिससे हमारा मुआशरा अच्छा रहेगा।
जिससे हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी। के खिलाफ मैंने लीगल एक्शन की है, जो भी मेरे खिलाफ विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी के बगैर सोशल मीडिया पे आएगा मुदस्सर अजीज के खिलाफ बोलेगा, मैं उस पर बात करूंगा। मुदस्सर अजीज एक मतलब मैं इंडिविजुअल मुदस्सर अजीज नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरा कौम है, मैं कौम के लिए बात करता हूँ, चाहे वो कश्मीर से लेकर कहाँ कहाँ से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है मेरे पास, मेरे को सपोर्ट करते हैं अच्छे काम के लिए। हाँ, जब मैं गलत काम करूंगा लोग मेरे को नहीं सपोर्ट करेंगे। और मैं उन शख्स से कहना चाहता हूँ, पहले अपना कमेंट सेक्शन आप चेक करो, आपको लोग क्या लिखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, आई ना पता चलता है तू किस स्टोरी से बनाओ, आप क्या करते हो सोसाइटी के लिए, क्या करते हो आप लोगों ने, क्या कौन सा कंट्रीब्यूट किया अपनी सोसाइटी के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। वो तो मैं नारा दे के चल रहा हूँ इस टाइम, कश्मीर जिंदाबाद। देखो मैंने कोशिश की लोगों के कुछ आईफोन जो भी चीजें है मैं वापस दिलवाता हूँ, आप देखते हो हमारे वापस देते भी है लोग, कश्मीरी लोग सीधे साधे लोग है। मैं खून से लिख के दूंगा, यहाँ से खून निकालूंगा लिख के दूंगा, कश्मीरी लोग सीधे साधे लोग है, क्योंकि हमारी नुमाइंदगी सही नहीं हुई है, कश्मीरी लोगों को नुमाइंदगी सही नहीं मिली है, हम बिखरे हुए हैं। अब कोई उठेगा कोशिश करेगा, अब कोई जलने वाला है अब जलने दो, अब मगर ऐसे सोशल मीडिया पे नाम लेकर, अब कोई मेरे खिलाफ भी कमेंट लिखेगा, अब मैं हर किसी के खिलाफ एक्शन करूंगा, मगर कुछ ऐसे सोशल मीडिया कुछ यूजर्स, मैंने कहा कि अभी वो प्लम्बर का काम करता है, वो अपने आप को तीस मार खान समझता है, मैं उसको कहता हूँ सामने आ जाओ, आप मेरे अपनी डिग्री पहले दिखा, आप कहते हो मैं एक इंजीनियर हूँ, मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला रखा, इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग मेरे को बता पहले, मैं उस बंदे से कहना चाहता हूँ इंस्टीट्यूट की स्पेलिंग मेरे को बताओ, उस बंदे को ये नहीं पता है लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, और मेरे खिलाफ वो करेगा, परसों निकला वो मेरे खिलाफ एक वीडियो, वेल विच मुदस्सर अजीज कुछ बचाए वो करते हैं इस खिलाफ FIR, मतलब किस बात के लिए। ऐसे खिलाफ मैं साइबर पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने इनके खिलाफ एक्शन किया, अभी मजीद और 5-6 बंदे ऐसे जो सोशल मीडिया के जरिए हमारी डिफेम करना चाहते हैं, हमारी मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना एक इंसान की, देखो मैं रेस्पॉन्सिबल तरीके से अपना ये जो भी चैनल चलाता हूँ रेस्पॉन्सिबल तरीके से, एज ए सिटीजन मुझे मेरे को समझना है कि मैं अपने बच्चों के लिए जो हमारी जो कश्मीर में पूरी सोसाइटी हमारे बच्चे हैं इनके लिए मैं क्या मैसेज देना चाहता हूँ। हमारी तमाम नाज़रीन से गुजारिश रहेगी कि न कि खाली इनके जैसे जो भी चाहे चैनल यूजर्स है, पेज यूजर्स है या कोई भी इन्फ्लुएंसर, बिना सोचे समझे आप किसी के कंटेंट पे इस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट ना करें, जिससे जो है बंदे की जहानत खराब हो, जिससे बंदा जो मेंटली टायर्ड हो। लिहाजा तमाम लोगों से गुजारिश है कि बाज आए अपनी